पूर्व मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा ओबीसी मोर्चा पश्चिम नागपुर के अध्यक्ष नरेश बर्डे और कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ कर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। गुरुवार को महाराष्ट्र राज्य के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा ओबीसी मोर्चा पश्चिम नागपुर के अध्यक्ष नरेश बर्डे और कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुरेंद्रगढ़ के प्राचीन हनुमान मंदिर में अपने चहेते नेता देवेंद्र के जन्मदिन पर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की, प्रार्थना की तथा उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगी। साथ ही इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कर प्रसाद वितरित किया। कार्यक्रम में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सावधानियां बरती गई। यहां सभी कार्यकर्ताओं और रक्तदाताओं ने मास्क पहना हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई। इसके साथ ही भाजपा ओबीसी मोर्चा पश्चिम नागपुर के अध्यक्ष नरेश बर्डे ने राज्य सरकार से जल्द मंदिर खोलने की भी अपील की। आज हमारे नेते नागपुर के सुपुत्र महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री और आज विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता इन देवेंद्र जी फडणवीस, इनका आज बर्थडे वाढ़दिवस है। उनकी बर्थडे के निमित्त हम ओबीसी मोर्चा नागपुर शहर बड्डल के तरफ से एक सुंदर कांड का आयोजन किए। उसका उपलक्ष्य यही है कि हमारे जो नेता है, हमारे जो नागपुर के सुपुत्र है देवेंद्र जी फडणवीस, ये निरोगी और उनको उनका भवितव्य उज्ज्वल होना चाहिए, उनको उनकी उत्तरोत्तर आगे प्रगति हो, ऐसी शुभकामना हम भगवान के सामने सब हमारे कार्यकर्ता मंडल और हमारे पदाधिकारी की तरफ से हमने एक सुंदरकांड के माध्यम से उनको हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और वो ऐसी प्रगति करे ऐसी भावना करते हैं। और आज ही के दिन हमने यहाँ पे एक मंदिर, बहुत दिनों से एक कोरोना काल पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है, मगर मैं देख रहा हूँ कि सारी दुनिया चालू है, दारू के दुकान चालू हो गए, सब चालू है और सिर्फ मंदिर क्यों बंद है। तो हमारे मंदिर के सब भक्तगण, सब लोगों ने हमने अभी निश्चय किया है कि आज से हम मंदिर चालू करने का, मंदिर को खुला करो। मंदिर में कभी गर्दी नहीं होती, कोई एक आंधा कार्यक्रम रहा तो मंदिर में गर्दी रहती है, मगर बाकी दिन तो एक एक आदमी आता है, घंटी बजाता है, अपना दर्शन करता है। और मेरे को तो लगता है कोरोना काल में मंदिर से ही एक ऊर्जा मिलती है और उसको जो भी मैंने पिछला अभी जो कोरोना काल था उसमें मैक्सिमम लोगों की जो मौत हुई है वो डर के मारे हुई है। तो हमारे एक श्रद्धा जिस पे है, जिस भगवान की हमारी श्रद्धा है, उस मंदिर में जाने से हमारा डर निकलता है और हम कोरोना से फाइट कर सकते हैं, तो मंदिर क्यों ना चालू किए। तो आज हम सब ओबीसी परिवार के पश्चिम मंडल के पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता, हमारी लेडीज़ जो भी है, सब लोगों ने हमें निश्चय किया कि हमारे को अभी हम मंदिर चालू करने के लिए हमारा आज से आंदोलन चालू होगा। हम अभी उसका डेपुटेशन लेके जाएंगे कलेक्टर के पास और हम बड़े नेताओं के पास भी जाएंगे और ये आघाड़ी सरकार हो या जो भी है, ये मंदिर के लिए जो ये अन्याय कर रही है उसको हम खुला करेंगे, ये भी मैं आह्वान करता हूँ। और आज हमारे सब पदाधिकारी यहाँ आए, सुंदरकांड का जो आज जो उन्होंने आनंद लिया उसके लिए मैं सबका धन्यवाद मानता हूँ और मैं मेरे दो शब्द खत्म करता हूँ।